हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस वीडियो में मैंने पेप्सी का स्पीड आर्ट डिजाइन किया था, उसका ब्रेकडाउन करने वाले हैं। मैं आपको लेयर बाय लेयर कैसे डिजाइन किया है ये एक्सप्लेन करूंगा, और इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस डिजाइन के प्रोसेस को जानते हैं। सबसे पहले मैंने ये बैकग्राउंड यूज किया है और इस बैकग्राउंड में स्मोक इफेक्ट है। इसके बाद मैं पेप्सी का इमेज ऐड करता हूं और इसका बैकग्राउंड रिमूव करता हूं। अभी मैं शैडो ऐड करता हूं। इस डिजाइन में शैडो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें शैडो की 2 से 3 लेयर ऐड करता हूं और उसकी ओपेसिटी कम ज्यादा करके उसे फिक्स करता हूं। इसके बाद मैं पेप्सी का रिफ्लेक्शन बनाता हूं और उसमें ब्लर ऐड करता हूं और थोड़ी बहुत लाइट करेक्शन करता हूं। अब मैं पेप्सी के बैकग्राउंड में कलर की लेयर ऐड करता हूं। इसके बाद मैं पेप्सी के बैक साइड में पार्टिकल्स ऐड करता हूं और उसका लेयर मोड चेंज करके उसे भी फिक्स करता हूं। अभी मैंने जो लेयर ऐड किया है, यही लेयर सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है। इस लेयर के वजह से पेप्सी में ग्लो इफेक्ट ऐड होता है। इसके बाद पेप्सी के इमेज में आइस इफेक्ट का इमेज ऐड करके उसे मैं क्लिपिंग मास्क करता हूं। इसके बाद इमेज में हाईलाइट ऐड करके शैडो भी ऐड करता हूं। इसके पहले मैंने पेप्सी के बैकग्राउंड में ग्लो इफेक्ट की लेयर ऐड किया था, उसे मैं इमेज के ऊपर भी ऐड करता हूं और उसे भी एडजस्ट करके फिक्स करता हूं। मुझे इमेज की शैडो कम लगती है, इसके लिए मैं शैडो ऐड करता हूं और वापस पेप्सी के इमेज में थोड़ा बहुत ग्लो भी ऐड कर लेता हूं। अभी जो मैंने लेयर ऐड किया है, यह लेयर इमेज को अट्रैक्टिव बनाती है। इस लेयर को ऐड करके मैं इसका लेयर मोड चेंज करता हूं और ओपेसिटी कम ज्यादा करके इसे मैं फिक्स करता हूं। अब हम डिजाइन के लास्ट में पहुंचे हैं। अब मैं डिजाइन में कैमरा रॉ फिल्टर ऐड करके लाइट को फिक्स करता हूं। इसके बाद मैं सिनेमेटिक लुक के लिए व्हाइट पार्टिकल्स ऐड करता हूं। इसके वजह से डिजाइन में डेप्थ ऐड होता है और हमारा फाइनल डिजाइन रेडी है। आपको यह डिजाइन ब्रेकडाउन पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और इस डिजाइन का डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। और आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।